अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलात व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह। दोस्तों, हमने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में जो है एक्ट थ्री तक कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी, कंप्लीट जो है ट्रांसलेशन मैंने आपको कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम एक्ट फोर शुरू करेंगे और सीन वन। तो अपनी वीडियो जो है बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं कि एंटोनी महल में जाता है और ऑक्टेवियस और लेपेडियस से मिलता है और वो एक लिस्ट बनाते हैं गद्दारों की जिनको कत्ल करना होता है। इन दुश्मनों की लिस्ट में लेपेडियस का भाई भी शामिल होता है और एंटोनी का भतीजा भी, इस एंटोनी का भतीजा भी शामिल होता है। तो इसमें जो है एंटोनी कहता है कि मैं अपने भतीजे को माफ़ नहीं कर रहा। तो जो है लेपेडियस कहता है कि मैं भी अपने भाई को इस गद्दारी पर माफ़ नहीं करूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंटोनी उसके जाने के बाद जो है ऑक्टेवियस से कहता है कि क्या ये इंसान काबिले एतमाद है, यानी क्या जो है लेपेडियस अपने भाई के प्यार में आके हमें धोखा तो नहीं दे देगा। ऑक्टेवियस कहता है कि नहीं, ये जो है मेरा आजमाया हुआ बहादुर सिपाही है। तो एंटोनी कहता है कि ऐसे वफ़ादार जैसे मेरा घोड़ा वफ़ादार है मेरे साथ, यानी वो उसको अपने घोड़े के साथ जो है मशाबत देता है कि जैसे मेरा घोड़ा मेरे साथ वफा करता है, ये भी बिल्कुल आपका ऐसे ही वफ़ादार साथी है। उसके बाद वो कैसियस और ब्रूटस के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे उनके खिलाफ आर्मी इकट्ठी कर रहे हैं और जंग करके ऑक्टेवियस को हराने का सोच रहे हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा सीन वन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सीन टू और थ्री है। इस सीन के अंदर जो है अब जंग का एक नज़ारा या मंजर कशी की गई है कि दोनों फौजें आमने सामने हैं। एक तरफ कैसियस और ब्रूटस की फ़ौज है, दूसरी तरफ जो है एंटोनी और ऑक्टेवियस की है। जंग का मैदान है, फिलिपी का मकाम है। ऑक्टेवियस और एंटोनी जो है अपने फ़ौज के साथ दाखिल होते हैं। एक मुखबर आकर बताता है कि दुश्मन तैयार है। एंटोनी अब ऑक्टेवियस को सीज़र के नाम से पुकारता है। ये मिलकर हमले का प्लान बनाते हैं और एंटोनी कहता है कि हम दुश्मन की पहल का इंतज़ार करेंगे। ये दोनों ब्रूटस और कैसियस से मिलते हैं और ऑक्टेवियस तलवार निकाल कर ललकारता है कि सीज़र का बदला अब ये दूसरा सीज़र, यानी वो खुद को सीज़र कह रहा होता है उसका बेटा, कि ये जूलियस सीज़र, छोटा जूलियस सीज़र यानी मैं खुद लूँगा। एंटोनी और ऑक्टेवियस के जाने के बाद ब्रूटस जो है लुसीलियस और कैसियस जो है मेसेला को बुला कर अकेले में कुछ बातें करते हैं। यानी जो है ब्रूटस वो लुसीलियस को एक साइड पे ले जाता है और कैसियस जो है मेसेला को एक साइड पर ले जाता है और उससे अपने कोई राज नियाज की बातें करते हैं। कैसियस बताता है कि आज उसका जन्मदिन भी है और कैसे उसने रात को बुरे ख्वाब देखे हैं। उसने देखा है कि दो बड़े बड़े ईगल्स आते हैं और उसके सिपाहियों को नोच लेते हैं। फिर उसके बाद काले कवे, गिद्ध वगैरह आकर उसकी फ़ौज को नोच लेते हैं क्योंकि वो बहुत कमज़ोर और लागर हो चुके होते हैं। इसके बाद दोनों कैसियस और ब्रूटस वापस जमा होते हैं और कैसियस डर का इजहार करता है और कहता है कि उसके बाद शायद हमारी मुलाकात ना हो क्योंकि मुझे दोनों का मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है और हमें चाहिए कि हाथ खड़े करके शिकस्त तस्लीम कर लें। जिस पर ब्रूटस को गुस्सा आता है और कहता है कि वो जान दे देगा लेकिन कैदी बनकर रोम वापस नहीं जाएगा, और वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। इसके बाद जो है एक्ट फाइव स्टार्ट होता है। एक्ट फाइव का ये जो है फोर और फाइव सीन है। पिछला जो मैंने सीन बताया वो आपको एक्ट फाइव का सीन वन और थ्री था। अब यहाँ से एक्ट फाइव का सीन फोर और फाइव शुरू होता है कि ब्रूटस एक और जंग के लिए तैयार होता है और मैदान में लुसीलियस खुद को ब्रूटस जाहिर करता है और रोमन्स उसे पकड़
पकड़ लेते हैं एंटोनी, और उसे पकड़कर एंटोनी के सामने ले आते हैं। यानी वो अपने आप को जो है ब्रूटस जाहिर करता है और सिपाहियों को कहता है कि मैं ही ब्रूटस हूँ। तो वो उसे पकड़कर ले आते हैं और एंटोनी के सामने पेश करते हैं, जिस पर एंटोनी उसको पहचान लेता है कि ये ब्रूटस नहीं है, और फौजियों को हुक्म देता है कि इसको कैद कर दो। एंटोनी अपने एक जासूस को भेजता है कि जाओ और मालूम करो कि ब्रूटस जिंदा भी है या वाकई में कहीं भाग या मर तो नहीं गया। दूसरी तरफ जंग की तैयारी हो चुकी है और दोनों फौजें दो दो टुकड़ों में बट गई हैं। ब्रूटस और ऑक्टेवियस की एक दूसरे से लड़ाई होती है, जबकि दूसरी तरफ एंटोनी और कैसियस की आपस में मुठभेड़ होती है। यानी जो है फौजें, दोनों फौजें दो दो टुकड़ों में बट गई हैं। एक जो टुकड़ी है उसका मुकाबला जो हो रहा है वो एंटोनी और कैसियस के दरमियान में हो रहा है, जबकि दूसरी जो है उसका ब्रूटस और ऑक्टेवियस के दरमियान में हो रहा होता है। बहुत खूनरेजी के बाद कैसियस ये लड़ाई हार जाता है, कैसियस ये लड़ाई हार जाता है एंटोनी से, और जब देखता है कि और जब देखता है कि जो है अब उसके भागने का टाइम है या उसकी मौत का टाइम करीब आने वाला है, तो वो जो है उसके बहुत करीब है, ये मौत उसके बहुत करीब है, तो वो जो है भागने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत खून रेजी के बाद कैसियस भी ये जो है लड़ाई हार जाता है, और जब देखता है कि एंटोनी और उसके साथी बहुत करीब हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वो खुद की जो तलवार है उसे अपनी जान ले लेता है और वो खुद को ख़त्म कर देता है। इसके बाद एंटोनी जो है वहाँ पहुँचता है तो वो मर चुका था। यानी वो जब देखते हैं कि उन जो है एंटोनी की फ़ौजें करीब आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि बजाय जो है मैं अपने आप को एक जंगी कैदी बनाऊं या वापस ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुजारूं रोम में जाके, वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। दूसरी तरफ जो है ऑक्टेवियस और ब्रूटस की भी लड़ाई होती है, और ब्रूटस के साथियों में से चंद एक बच जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो ब्रूटस इससे दरख्वास्त करता है कि वो इसे ख़त्म कर दें, यानी अपने साथियों को कहता है कि मुझे अब ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं अगर ऑक्टेवियस के हाथ लग गया तो उसने मेरे साथ उस तरह करना है जिस तरह हमने सीज़र को मारा था तकलीफ दे दे के। तो इस पर जो है तो उनसे दरख्वास्त करता है कि वो उसे ख़त्म कर दें ताकि वो ज़िंदा ऑक्टेवियस के हाथ ना लगे और कैदी बनकर रोम में वापस ना जाए। तो इस पर उसके साथ ही इनकार कर देते हैं, उस सब को वहाँ से भागने का हुक्म देता है और कहता है कि तुम सब चलो, मैं तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। एक साथी जिसका नाम स्टेरेटो होता है सब चले जाते हैं और वो उसके पास रह जाता है, यानी उसके साथ होता है। ब्रूटस और स्टेटो यानी दोनों वहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने साथी से दरख्वास्त करता है कि वो उसको ख़त्म कर दे। यहाँ पर दोबारा ब्रूटस को सीज़र का भूत नज़र आता है। वो ब्रूटस जो है ब्रूटस को ऐसा लगता है कि सीज़र उसके सामने खड़ा है और वो अभी उसकी जान लेने वाला है। ब्रूटस अपने साथी को कहता है कि वो तलवार को मजबूती से पकड़े, मैं खुद उस तलवार से खुद को ख़त्म करूंगा। यानी तुम सिर्फ तलवार पकड़ के खड़े हो, मैं खुद ही जो है तलवार को तलवार पे आके गिरूंगा या तलवार को अपने जिस्म में जो है गाड़ लूंगा ताकि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। तो इस पर जो है ताकि मैं फिर दोबारा पकड़ा ना जाऊं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सीज़र को बेदर्दी से मारा था। यानी वो कहता है कि तुम तलवार पकड़े रखोगे तो मैं बार बार तलवार को अपने जिस्म में घुसेड़ूंगा और जो है अपने आप को ख़त्म करूंगा और उतना ही ज़ख्म दूंगा जैसे जूलियस सीज़र को हमने बेदर्दी से मारा था। ऑक्टेवियस और एंटोनी जब वहाँ आते हैं तो ब्रूटस ने खुद को ख़त्म कर लिया होता है। ऑक्टेवियस को एंटोनी बताता है कि ये ब्रूटस एक अच्छा इंसान था, ये वाहिद इंसान था जिसने सीज़र के कत्ल में कोई ज़ाती दुश्मनी या मफाद नहीं था। यानी इसने सिर्फ रोम की मोहब्बत में या स्टेट की मोहब्बत में इसको कत्ल करने में अपना हिस्सा डाला था,
वरना इसको कोई सीजर के साथ जेलसी नहीं थी या इसका कोई ज़ाती मफाद नहीं था, बल्कि रोम के मफाद को मद्देनज़र रखकर हिस्सा लिया था। और इसने इस पर यकीन कर लिया था जो गद्दारों ने इसे बताया था, यानी वो ख़त वाली बात वही रिपीट हो रही है। इस पर ऑक्टेवियस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो ब्रूटस को पूरे एजाज के साथ दफन करेंगे। तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर। उम्मीद है जिस डिटेल के साथ मैंने आपको ये ट्रांसलेशन करके दी है, इसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आपको तमाम जो है करेक्टर्स और तमाम स्टोरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।